रायबरेली के सिविल लाइन चौराहे अपर स्थित कमला नेहरू ट्रस्ट की जमीन पर कई दशकों से काबिज पटरी दुकानदारों को न्यायालय के आदेश पर वहां से हटाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद उन दुकानदारों के पक्ष में सदर विधायिका आदिति सिंह उतर आई हैं। विधायिका ने इस मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में ले जाने की भी बात कही है। क्या मामला है? आज मैं यहाँ इस सिविल लाइन का जो बहुत ही प्रसिद्ध इशू है, प्रसिद्ध मुद्दा है, सब लोगों ने किसने नहीं सुना है बारे में, ये आज की नहीं, ये तीसियों साल की लड़ाई है जो मेरे दुकानदार भाई यहाँ लड़ रहे हैं। और मैं आज ये बताने आई हूँ कि मैं पूरी तरीके से, मैं और मेरी पूरी टीम आपको यहाँ दिख रही होगी, सभी मेरे कार्यकर्ता, प्रधान, डीडीसी, सभी लोग मेरे इन लोगों के साथ, इन दुकानदारों के साथ, इन गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और हम मतलब बाहुबल की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम सही लड़ाई लड़ रहे हैं, विधि के हिसाब से काम कर रहे हैं, लीगल काम कर रहे हैं। हमारी शिकायत ये है कि हमें जो भी उच्च न्यायालय का माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है, हम उसकी पूरी इज्जत करते हैं, पर हमारी टीम को इन गरीबों को हाईकोर्ट जाने का मौका, सुप्रीम कोर्ट जाने का या हाईकोर्ट में रिव्यू फाइल करने का या कोई भी लीगल एक्शन करने का टाइम ही नहीं दिया प्रशासन ने। और जब मैं प्रशासन कहती हूँ, मैं खास तौर से सिटी मैजिस्ट्रेट ने, मैं आपको बताना चाहूंगी कि लॉकडाउन के दिन इन्होंने इन लोगों को नोटिस दिया 7 तारीख को, आज 10 तारीख को इनकी पूरी व्यवस्था थी कि इन सारी दुकानों को हम हटा दें। मैं खुले मुंह से ये कहना चाहती हूँ, इस चीज का पूरा श्रेय दूंगी जो आज इनकी दुकानें बची हैं, मेरे राजनीतिक गुरु और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ, जिनकी वजह से आज हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके संज्ञान में जब ये मैटर आया तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से इसकी जांच कराएंगे, जो भी होगा न्याय होगा। न्याय की उम्मीद मैं बस महाराज जी से करती हूँ, महाराज जी की सरकार से करती हूँ, और आज इस सरकार ने साबित कर दिया है इन लोगों को यहीं बसे रहने देकर कि कोरोना के टाइम में और ऐसे तरीके से जो ये कमला नेहरू ट्रस्ट, मैं आपसे पूछती हूँ, है क्या कमला नेहरू एजुकेशन सोसाइटी जो फ्री होल्ड है, जिसने पूरी गलत तरीके से यहाँ फ्री होल्ड कराया था, ये पूरी तरीके से हाईकोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है, डीएम नेहा शर्मा ने भी इसका संज्ञान लिया था, पूरी गलत तरीके से, इनकी कोई लीज डीड ही नहीं थी तो कैसे फ्री होल्ड हो गया? फ्री होल्ड का सबसे पहला रूल होता है, और मेरे वकील लोग यहाँ, चाचा लोग यहाँ है, फ्री होल्ड का पहला रूल होता है कब्जा। जब आपका कब्जा ही नहीं तो काय बात का फ्री होल्ड, कैसे कराया आपने फ्री होल्ड, किसकी मिली भगत है बताइए? ये सारी चीजें जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मैं लाई, उन्होंने मुझे त्वरित कार्रवाई का निर्णय दिया, मुझे आश्वासन दिया कि इसमें सच का साथ दिया जाएगा, इसमें पूरी तरीके से न्याय होगा, न्यायपूर्वक कार्रवाई होगी और सही फैसला यहाँ होगा, गरीबों को योगी सरकार में परेशान प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, चाहे कुछ सोसाइटी के लोग या कुछ भू माफिया जो नेता बने फिर रहे हैं, वो कुछ भी कितनी भी कोशिश कर लें, आप कितने लोगों को पैसा खिला दो, सत्य की हमेशा विजय होती है, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहा था, और हम सब धन्य है कि हमारे पास योगी आदित्यनाथ जैसे माननीय मुख्यमंत्री। बहुत बहुत क्या मामला है? आज मैं यहाँ सिविल लाइन का जो बहुत ही प्रसिद्ध इशू है, प्रसिद्ध मुद्दा है, सब लोगों ने किसने नहीं सुना है बारे में, ये आज की नहीं, ये तीसियों साल की लड़ाई है जो मेरे दुकानदार भाई यहाँ लड़ रहे हैं। और मैं आज ये बताने आई हूँ कि मैं पूरी तरीके से, मैं और मेरी पूरी टीम आपको यहाँ दिख रही होगी, सभी मेरे कार्यकर्ता, प्रधान, डीडीसी, सभी लोग मेरे इन लोगों के साथ, इन दुकानदारों के साथ, इन गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और हम मतलब बाहुबल की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम सही लड़ाई लड़ रहे हैं, हम विधि के हिसाब से काम कर रहे हैं, लीगल काम कर रहे हैं। हमारी शिकायत ये है कि हमें जो भी उच्च न्यायालय का माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है, हम उसकी पूरी इज्जत करते हैं, पर हमारी टीम को इन गरीबों को हाईकोर्ट जाने का मौका, सुप्रीम कोर्ट जाने का या हाईकोर्ट में रिव्यू फाइल करने का या कोई भी लीगल एक्शन करने का टाइम ही नहीं दिया प्रशासन ने। और जब मैं प्रशासन कहती हूँ, मैं खास तौर से सिटी मैजिस्ट्रेट ने, मैं आपको बताना चाहूंगी कि लॉकडाउन के दिन इन्होंने इन लोगों को नोटिस दिया 7 तारीख को, आज 10 तारीख को इनकी पूरी ये थी व्यवस्था थी कि इन सारी दुकानों को हम हटा दें। मैं खुले मुंह से ये कहना चाहती हूँ, इस चीज का पूरा श्रेय दूंगी जो आज इनकी दुकानें बची हैं, मेरे राजनीतिक गुरु
और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ, जिनकी वजह से आज हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जिनके संज्ञान में जब ये मैटर आया तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से इसकी जांच कराएंगे, जो भी होगा न्याय होगा। न्याय की उम्मीद मैं बस महाराज जी से करती हूँ, महाराज जी की सरकार से करती हूँ, और आज इस सरकार ने साबित कर दिया है इन लोगों को यहीं बसे रहने देकर कि कोरोना के टाइम में और ऐसे तरीके से जो ये कमला नेहरू ट्रस्ट, मैं आपसे पूछती हूँ है क्या भाई कमला नेहरू एजुकेशन सोसाइटी जो फ्री होल्ड है, जिसने पूरी गलत तरीके से यहाँ फ्री होल्ड कराया था, ये पूरी तरीके से हाईकोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है, डीएम नेहा शर्मा ने भी इसका संज्ञान लिया था पूरी गलत तरीके से, इनकी कोई लीज डीडी नहीं थी तो कैसे फ्री होल्ड हो गया। फ्री होल्ड का सबसे पहला रूल होता है, और मेरे वकील लोग यहाँ चाचा लोग यहाँ हैं, फ्री होल्ड का पहला रूल होता है कब्जा। जब आपका कब्जा नहीं तो काय बात का फ्री होल्ड, कैसे कराया आपने फ्री होल्ड, किसकी मिली भगत है बताइए। ये सारी चीज़ें जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मैं लाई, उन्होंने मुझे त्वरित कार्रवाई का निर्णय दिया, मुझे आश्वासन दिया कि इस पर सच का साथ दिया जाएगा, इस पर पूरी तरीके से न्याय होगा, न्यायपूर्वक कार्रवाई होगी और सही फैसला यहाँ होगा। गरीबों को योगी सरकार में परेशान प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, चाहे कुछ सोसाइटी के लोग या कुछ भू माफिया जो नेता बने फिर रहे हैं, वो कुछ भी कितनी भी कोशिश करें, आप कितने लोगों को पैसा खिला दोगे। सत्य की हमेशा विजय होती है, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहा था, और हम सब धन्य है कि हमारे पास योगी आदित्यनाथ जैसे माननीय मुख्यमंत्री हैं। बहुत बहुत